मार्वल की एक और टीवी सीरीज का सीजन 2 आ चुका है। अरे अरे क्या हुआ, मैं शी हल्क के सीजन 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आई एम ग्रूट के सीजन 2 की, जिसके सीजन 1 की तरह एक बार फिर 5 नए शॉर्ट्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ चुके हैं, जिसमें अपने प्यारा बेबी ग्रूट अलग अलग एडवेंचर करते हुए हमें देखने को मिलता है। पर क्या आपको आई एम ग्रूट के सीजन 2 को देखना चाहिए भी या नहीं, और क्या मार्वल को इसका सीजन 2 बनाना चाहिए भी था या नहीं, इनकी बात मैं करूंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अभी एक्सप्लेन्स। तो अगर बात करूं इस सीरीज या मिनी शॉर्ट्स की, तो इसमें सीजन 1 की तरह 5 शॉर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जो लगभग 4-4 मिनट के हैं, और जिनमें बेबी ग्रूट सीजन 1 की तरह ही हर एपिसोड में कुछ नए नए अतरंगी एडवेंचर्स करते हुए हमें देखने को मिलता है, और जो पर्सनली मुझे ठीक ठाक फनी लगे, और मुझे इसे देखने में बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं हुई। और मेरे हिसाब से इसका मेन रीज़न इस शो की लेंथ है, जो कि टोटल 20 मिनट से भी कम है, और जो आपको हर एपिसोड में इतने कम टाइम में अलग अलग एडवेंचर दिखाती है। जिसमें अगर मैं अपने फेवरेट एपिसोड्स की बात करूँ, तो एपिसोड नंबर 2 जिसमें ग्रूट वीडियो गेम्स खेल रहा होता है, और एपिसोड नंबर 5 जिसमें हमें वॉचर का कैमियो देखने को मिलता है, वो दो मेरे पर्सनली फेवरेट एपिसोड्स थे इन 5 एपिसोड्स में। लेकिन अगर बात करूं कि मार्वल को आई एम ग्रूट का सीजन 2 बनाना चाहिए भी था या नहीं, तो मेरे हिसाब से इसके सीजन 2 को बनाने की कोई खास ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ना तो हमें इसमें एमसीयू की मेन टाइमलाइन से रिलेटेड कुछ देखने को मिलता है, और ना ही इसका सीजन 2 हमें कुछ नया ऑफर करता है। मेरे हिसाब से मार्वल और डिज्नी ने इस शो को सिर्फ किड्स के लिए ही बनाया है, ताकि वो इससे यंगर ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकें। ओवरऑल आई एम ग्रूट का सीजन 2 सीजन 1 की तरह ही काफ़ी इंजॉयबल और फनी है, जिसे आप अपनी पूरी फैमिली खासकर के छोटे बच्चों के साथ कम से कम एक बार तो देख ही सकते हैं। अगर आपने इसका सीजन 2 अभी तक देख लिया है, तो अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के कमेंट्स में शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहूं। और मैंने हाल ही में रिलीज़ हुए वन पीस के लाइव एक्शन का रिव्यू भी किया है, जिसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।